तो यहाँ पे मैं माँ को भोग लगाने के लिए प्रसाद रेडी कर रही हूँ। तो ये वाली क्लिप जो है वो पिछले रात की है। तो अगले दिन नवरात्रा स्टार्ट होने वाला था, तो मैं ज़्यादा नवरात्रों में जो माता को भोग होता है वो मैं ड्राई फ्रूट का लगाती हूँ, और इसको बाटे का प्रसाद भी बोलते हैं। तो ये जो थोड़े से मैंने बादाम लिए हैं, इसमें जो होता है प्रसाद वो 5 तरह का होता है, तो इसमें मैं बादाम को छोटे छोटे पीस करके काट लूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ी सी वो डाली है, मिश्री डाली है, और फिर मैं डालूँगी सौगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई हैं, इसमें 5 चीज़ें डलती हैं। और ये मैंने थोड़े से छुहारे लिए हैं, इनको भी मैं लंबा लंबा करके काट लूँगी। इनको काटना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा ध्यान से ही काटें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने छुहारे भी काट लिए हैं, तो ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। तो अब इसके बाद मैं थोड़े से डालूँगी इसके अंदर मखाने डालूँगी। तो नवरात्रों के दिन में 2 टाइम माँ को इसी प्रसाद का भोग लगेगा, और यही चीज़ें प्रसाद हम लोग भी खाएंगे। और कंजकों, जब कंजकों का दिन होता है तब भी मैं ये प्रसाद उनको देती हूँ। ये हमारा हाय प्रसाद एवरीवन, रेडी जय है। माता दी। आज है पहला नवरात्रा और हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा के, और आज मेरा रूप कुछ अलग नज़र आ रहा होगा। और अम्मी भी नहा चुकी है, अभी उसकी कॉम रहती है, बट पहले हम लोग पूजा वगैरह करेंगे, उसके बाद बाकी सारा काम चलेगा। तो उसी की तैयारी चल रही है, पूजा की तैयारी चल रही है, और पूजा के बर्तन मैंने धो लिए हैं, मंदिर वंदिर सब सेट कर दिया है। बस अब सामग्री रखनी है कि जो जो हम लोग पूजा में यूज़ करेंगे। तो मैं हर नवरात्रि पे ये रेड वाली चुन्नी ही लेती हूँ। तो कहते हैं कि माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो बहुत इसलिए अच्छा मैं, लगता है रेड। हाँ, माता रानी को रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ या फिर पूजा करूँगी तो मैं ये रेड कलर की चुन्नी ले लेती हूँ, ताकि माता रानी की नज़र मुझ पे भी पड़े। और कहते हैं ना कि शादी ब्याह में तो हम लोग बहुत सज धज के जाते हैं कि हाँ भी हमें लोग देखें, तो माँ के दरबार में क्यों नहीं है, उसकी नज़र हम पर पड़नी चाहिए, फिर तो ज़िंदगी बल्ले बल्ले है। तो यही सोच के बस मैं भी ऐसे ही सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। कॉम तो मैंने भी नहीं की है, बट ये है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, और ये दुपट्टा मैं ज़रूर लेती हूँ ताकि माता रानी की नज़र मेरे पर पड़े। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मैं भी लेट हो रही हूँ और मुझे भी पूजा की तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या किया है हम लोगों ने। बीवी दुपट्टा लेके तैयार हो गई है, और रेड कलर का ही। और मेरे किचन का हाल, किचन का हाल कि सुबह से बस तैयारियों में लगे पड़े हैं, और ये सब भी मुझे अब पूजा के बाद ही सारा समेटूंगी। और बर्तन धो लिए हैं, अम्मी इसको तोड़ना मत अब, और चलते हैं देखो, चलो मंदिर है। तो अभी मंदिर, मैंने ये पूजा के बर्तन है वो मैंने धो लिए हैं। तो ये मेरा मंदिर, तो हमारे इधर ये कलश रखा है हमने पानी भर के, और नीचे मैंने प्लेट रखी है, और ऊपर थोड़े से राइस। कहते हैं कि सीधा ऐसे नीचे नहीं रखना चाहिए, तो थोड़ा सा मैंने राइस डाले हैं, और इसके ऊपर नारियल आएगा। चुनिया हमने माता रानी की सारी बदल दी हैं, और ये मैंने कुछ राइस और टीका रखा है माता रानी को करने के लिए, और इस पे हम लोग खेतरी अपनी करेंगे। तो ये मिट्टी हम लोगों ने छान के ली है। इसको थोड़ा सा पहले गीला कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग जौ डालेंगे। तो मैं पहले ये कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। खेतरी हम लोगों की हो गई है, इधर मोली बनो।
खेतरी को मौली बांधेंगे, जब ये निकल आएगी दर्शन देगी तब हम लोग इसके ऊपर चुनरी लगा देंगे। और कलश हम लोगों ने रख दिया है, कहते हैं कि खड़ा नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसे लेट के रखना, लेटा देना चाहिए, तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा है। मुझे लगता है हमारा मटका शायद लीक करता है थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही। तो ये हमारा माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद है, बाटे का प्रसाद बोलते हैं, बाटे का प्रसाद बोलते हैं इसको। और ये हमारा फाइनल लुक हमारे मंदिर की। और अभी हम लोग बस जोत करेंगे और पूजा करेंगे। चलो करो। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तुहाडी सदा ही जय। तो यहाँ पे मैं जोत करने लगी थी और गौतम को आ गया था इमरजेंसी कॉल, उनको जाना पड़ा अपनी शॉप पे, उनके कस्टमर आ गए थे, तो उनको बस तिलक वगैरह किया और उन्होंने ब्रेकफास्ट आके किया है। और यहाँ पे अब अनवी ने कैमरा ले लिया है तो थोड़ा पिक्चर हिल रही है, तो फिर भी उसने काफ़ी हद तक अच्छी वीडियो बना दी है, तो मैंने उसकी बनाई हुई क्लिप भी डाल दी। तो यहाँ पे अब मैं तिलक करूँगी सब देवियों को और फिर उसके बाद हम लोग खुद को तिलक लगाएंगे। और फिर नवरात्रों में हम लोग मौली भी बांधते हैं, तो जो पुरानी मौली होती हैं उनको मैं खोल देती हूँ और नई वाली हम लोग बांध लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गौतम को मौली भी बांध रही हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है, 10:30 हो गए हैं और मैंने जहाँ पे वीडियो बंद किया था उसके बाद मैं ऑन नहीं कर पाई क्योंकि गौतम को जाना था एमरजेंसी, उनको कस्टमर आ गए थे तो वो शॉप पे चले गए। और फिर मैंने साथी के साथ अपना पाठ करना शुरू कर दिया। अभी मैं अपने लिए दूध गर्म कर रही हूँ और इधर जो दूध आया था वो गर्म करने के लिए रख दिया है। घर की हालत हो गई है बहुत ही अस्त व्यस्त, आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम थे ना, जैसे ये देखो सोफे पे कैसे कपड़े कपड़े और अंदर बेडरूम में भी, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। पहले मैं अपने लिए चाय बना लूँ, ठीक है। तो अभी मेरी चाय हो चुकी है रेडी, आप लोगों को दिखाऊंगी, तो गर्म है अभी तो धीरे धीरे पीऊँगी। और साथ में मैंने लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम और सोगी लिए मैंने। तो क्या होता है कि मुझे तो अपने खाने के टाइम पे ना भूख लग ही जाती है, जिस जिस टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं ना उस टाइम पे जरूर भूख लगती है, जब वो टाइम निकल जाता है फिर उसके बाद तो चाहे ना भी लगे। तो चाय पी लेते हैं, उसके बाद घर का काम करना है। चाहे आप लोगों ने फास्ट रखे हैं, अभी अनवी आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नानी का फोन आया है कि अनवी को भेजो, आप वो वेट कर रही है, पापा लेने आ रहे हैं, सैंडल डाल दे। नो, तो अनवी का भी प्लान सडनली चेंज हुआ है, वो जा रही है अपने नानी के घर। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है और बज चुके हैं 6:00 और मैं छत पे जा रही हूँ क्योंकि वॉक करनी है। फर्स्ट नवरात्रि में ये हालत ख़राब हो गई है, अभी तक खाया नहीं है मैंने कुछ और आईज़ मेरी आईज़ में पता नहीं क्यों लगी प्रॉब्लम हो रही है, सर में भी पेन हो रहा है। तो अभी वॉक करने जा रही हूँ मैं छत पे। तो अनवी भी गई है अपने नानी के घर चली गई है वो, तो मैं अकेली हूँ, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। तो अभी बस वॉक करने के बाद ना नीचे जाऊँगी, फिर मैं खाने के लिए भी कुछ बनाऊँगी और शाम के टाइम जो मतलब पूजा वगैरह जो भी होती है वो करूँगी। और ये देखिए, ये अनवी मैम ने कल यहाँ पे छत पे ये कांड किया है, ये कलर ही कलर सब जगह छत पे उसने फैला दिया, कैसे कितना गंद हो रखा है। अब तो नवरात्रों के बाद ही मैं ये सब साफ़ करूँगी, अभी तो नहीं होगा। तो ये होली में जो कलर बचा था वो सारा ऐसे फैला दिया है।
क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो नवरात्रे होते हैं, मीन्स की फर्स्ट या सेकंड वाला नवरात्रा रहता है, उसमें मुश्किल होती है थोड़ी रखने में। उसके बाद तो शायद बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। और मेन नवरात्र जो लोग पूरे नवरात्रे रखते हैं उनको भी पता नहीं ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नहीं आती है, मुझे तो कुछ नहीं पता। बट मेरे साथ क्या होता है कि मुझे नींद आना कम हो जाती है। मुझे पहले ही, मैं रात को 12 बजे तक सोती हूँ। मुझे क्राइम पेट्रोल का बहुत नशा है। मैं बहुत क्राइम पेट्रोल देखती हूँ रात को, मीन्स की चाहे जितनी मर्जी मुझे नींद आ रही हो बट मुझे क्राइम पेट्रोल देखना ही है। तो बट क्या होता है कि नवरात्रों में हम लोग अनाज तो खाते नहीं हैं, तो बस वही एक फलाहारी ही होता है, तो उसमें कैलोरीज नहीं होते हैं इतने, तो जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। मुझे जो लगता है कि अनाज खाने से हमें नींद ज़रूर आती है, बट मैं जैसे अब नहीं खाऊंगी तो मेरी नींद भी कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो ये प्रॉब्लम आती है। और मुझे थोड़ा फिर ये हो जाता है कि बीपी लो की भी प्रॉब्लम आ जाती है, और सर दर्द मेरा शायद इसी कारण हो रहा है क्योंकि आज पूरा दिन मैंने नमक नहीं खाया है, तो उसकी वजह से भी मुझे सर में दर्द हो रहा है। अभी अभी चाय पी है मैंने, तो अभी बस वॉक करूँगी थोड़ी देर, थोड़ी हवा लूँगी, शायद अपने आप में थोड़ा मुझे ठीक लगे। और एक तो अनवी भी चली गई है, अकेला बंदा और करे भी क्या, अनवी होती है तो उसको कुछ खाना है कुछ खाना है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लगे रहते हैं। तो बस यही है, तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों को सीधा नीचे जब जाऊँगी तब मैं आप लोगों से बात करूँगी। और जो आज मैं वो वाले राइस बनाऊँगी जो फास्ट में खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और पहले हम माँ की पूजा कर लेते हैं, जो जला लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, उसके बाद फिर मैं वो अपने लिए खाने के लिए कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं पहले जो सुबह की जोत का जो था होता है वो रूही से ही वो पहले निकाल दूँगी, और यहाँ पे मैं जोत करूँगी। तो जोत जो है वो मैं देसी घी की माँ के नाम की जलती है, ये तो सबको ही पता है। तो बस यही है, और शाम के टाइम कोई ज़्यादा लंबी पूजा नहीं होती है क्योंकि जो नवरात्रों में जो दुर्गा स्तुति पढ़ी जाती है वो मैं सुबह ही एक बारी में पढ़ लेती हूँ। तो जैसे कि बुक में लिखा है कि एक बारी में अगर पढ़ोगे तो उसका जो कहते हैं ना कि उसका फल जो है वो अच्छा मिलता है, दुगना मिलता है, तो बस यही सोच के मैं भी एक बारी में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच में छोड़ दूँ तो फिर दोबारा बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और जिनके घर छोटे बच्चे हैं उनको तो मुझे लगता है वो एक बारी में ही पढ़ लेते होंगे क्योंकि बाद में बच्चों के पीछे ही पूरा दिन निकल जाता है। तो बस यही निकलता है मेरे, ऐसे ही नवरात्रे निकलते हैं, और ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं लगाती हूँ। मतलब कि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और जो ये नवरात्रे हैं इसमें नमक खा लेते हैं, तो कुछ लोग तो दो बार खा लेते हैं, बट मैं सिर्फ एक बार ही खाती हूँ। तो इसीलिए मैं सिर्फ रात ही अपना खाने का बनाऊंगी जो भी ना व्रत में बनाते हैं और खाते हैं। तो आरती मैंने कर ली है, और इसके बाद मैं माँ को भोग लगाऊंगी, वो जो बाटे वाला प्रसाद होता है उसका मैं भोग लगाऊंगी, और पांचों ड्राई फ्रूट हैं कटोरी में डाल लूँगी। और मैं बस ऐसे ही सिंपल तरीके से जो मुझे समझ में आता है मैं वैसे ही कर देती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे भोग लगाते हैं कैसे करते हैं, बट जो मुझे समझ में आता है मैं कर देती हूँ, और माँ ऐसे ही स्वीकार करे बस मेरी जो भी मेरी थोड़ी बहुत श्रद्धा है। तो अभी मैंने जोत कर ली है, आप लोग देख सकते हैं, और मेरा मंदिर देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं अपने राइस बना लेती हूँ व्रत वाले। तो गौतम को मैंने फ़ोन किया था, वो बोल रहे थे कि मैं भी वही खा लूँगा क्योंकि उसका ना पूरा जैसे नमकीन चावल बनाते हैं सब पुलाव बनाते हैं वैसा ही टेस्ट आता है, तो मैं उसकी तैयारी कर लेती हूँ। अनवी अपनी मामी के घर से ही खा के आएगी, तो आज का तो हमारा डिनर यही होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ वो राइस। आप लोगों को दिखा दूँ कि ये मेरा आज का जो दूध था वो फट चुका है। अब मतलब कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो सुबह इसको जब मैंने गर्म किया तो ये फट गया,
और मैंने ये यहाँ पे दोपहर के टाइम मैंने दही जमाई थी, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। ये देखिए बहुत अच्छे से मेरा कर्ड जम चुका है, तो ये जो पानी है इसको मैं निकाल दूँगी। कुछ लोग तो इस पानी को ना यूज़ कर लेते हैं, जैसे दाल वगैरह में या कुछ भी कहीं भी इसको ना यूज़ कर लेते हैं, आटा में कर लेते हैं और इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, क्योंकि ये सभी सॉफ्ट है, तो जब तक हम लोग डिनर करेंगे तब तक ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी। इसको कहाँ रखूँ, गर्मियों में फ्रिज में जगह ही नहीं रहती, तो इसको रख दिया है फ्रिज में। तो यहाँ पे मैं व्रत वाले राइस जो हैं वो एक कटोरी लूँगी, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं ये, तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे राइस लिए हैं। और मैंने यहाँ पे अदरक को काट लिया है बारीक करके, और इसमें हम लोग प्याज तो ऐड करेंगे नहीं। और ये मैंने आलू को काटा है, बिल्कुल ना ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा है, क्योंकि जो राइस है वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो ये राइस मैंने कर लिए हैं वॉश, और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है और गैस चला लेंगे। तो बस ऐसे ही सिंपल से मैं ये राइस बनाती हूँ, और अगर आप चाहें तो इसमें आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे पास ग्रीन चिली ऐड करने के लिए नहीं है। और वैसे भी मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ, क्योंकि अनवी नहीं खाती है, तो फिर उसके कारण मैं भी नहीं खाती हूँ। तो 10 मिनट में ये राइस बन जाएंगे, तो फिर मैं दिखाती हूँ आप लोग भी कैसा लगता है। देखिए हमारे राइस बन चुके हैं, जस्ट 10 मिनट में ही ये बन गए हैं, और अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत, शायद मुझे लगता है कि बहुत लंबा जाएगा ये, तो प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा,
तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को। और तब तक हम चलते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं चैनल पे। तो चलते हैं, बाय बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर।